गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुलाम नबी आजाद सन 2008 सन 2009 कई बार नाराजगी उनकी देखी जा चुकी है कांग्रेस से। कुंदन, तो बड़ा झटका एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद के तौर पर लग गया है कांग्रेस को। वरिष्ठ नेता है और बड़े चेहरे पार्टी के अंदर, लेकिन अब पार्टी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, केंद्र सरकार को घेरने की तैयारियां कर रही है। 28-29 तारीख को जो प्रदर्शन की प्लानिंग है उसके लिहाज से जो तैयारियां थी उसको बड़ा झटका लगा है आप कह सकते हैं। लेकिन इसके मायने क्या होंगे आने वाले वक्त में ये समझना होगा, और जो वो आरोप लगा रहे हैं उसके मायने क्या है ये भी हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। सीधे न्यूज रूम से हम समझने की कोशिश करेंगे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी है उसके मायने क्या है, और जो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी को लेकर के और राहुल गांधी को खास तौर पर लेकर के, और वो अध्यादेश की कॉपी फाड़ने से लेकर के उन्हें उपाध्यक्ष बनाने तक को लेकर के जो सवाल उन्होंने खड़े किए उनके मायने क्या, और उन सवालों पर कैसे बीजेपी फिर से हमलावर हो सकती है कांग्रेस पर, इस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बिल्कुल, जिस तरह से देखिए सन 2008 की तस्वीरें आपको याद होंगी, जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, उसके बाद नाराजगी उनकी देखी गई। सन 2009 में आंध्र प्रदेश की घटना आपको याद होगी, जब जमकर विवाद हुआ, गुलाम नबी आजाद उस समय भी थोड़े नाराज दिखाई दिए। वजह क्या है इसके पीछे, जिस तरह से आपने देखा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चापलूस पार्टी कह दिया, क्योंकि काफी नाराज वो थे राहुल गांधी को जब उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, लगातार विरोध वो करते रहे। अगर हम बात करें G23 के, उसमें गुलाम नबी आजाद का काफी अहम रोल, लेकिन जिस तरह से लगातार कद और पद गुलाम नबी आजाद का घटते चला गया, वो कई बार कई मौकों पर नाराज और मायूस भी दिखाई दिए थे। बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पूरे 5 पन्नों का यह इस्तीफा लिखा है और सीधे तौर पर सोनिया गांधी को भेज दिया, अंतरिम अध्यक्ष को भेज दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में साफ तौर पर कहा है कि अब जो पार्टी है वो किस तरीके से आखिरकार पार्टी सिर्फ नाचने वाली पार्टी बन के रह गई है और यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात करने लगे। तो इस तरीके से उन्होंने तमाम इल्जाम लगाए हैं और तमाम इल्जामों के साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। पूरे 5 पन्नों का यह इस्तीफा उनके द्वारा भेजा गया है। तो 5 पन्नों के इस इस्तीफे में क्या खास है ये भी जानना बेहद जरूरी है। कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, ये देखिए ये पूरा लेटर है, बहुत तेजी चल रहा है, लेकिन इसका मजमून क्या है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इसका मजमून ये है कि कांग्रेस में अब चर्चा के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। जब से राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद अध्यक्ष बने, और जब से उनकी महत्ता जो उनकी अहमियत पार्टी में ज्यादा बढ़ी, तब से कुल मिलाकर के जो विमर्श की जो परंपरा रही कांग्रेस में वो अब नहीं रही है, ये उन्होंने बताया है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी रवि सराफ जुड़ गए हैं फुल लाइन पर, वो मौजूद है। रवि, जिस तरीके से आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया ये कहते हुए, ये लिखते हुए कि आधी शतक से ज्यादा जिस पार्टी के साथ बिता दिया उससे रिश्ता तोड़ना और कितना दर्द होता है ये मैं बयां नहीं कर सकता हूं, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है। किस तरीके से कांग्रेस के लिए अब ये बड़ा झटका होने वाला है। लेकिन पार्टी से जाते जाते क्या उन्होंने पार्टी को एक दर्द दे दिया है रवि? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बड़ा झटका है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद तकरीबन 50 वर्षों से जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और तकरीबन 40 वर्षों से CWC के सदस्य हैं, तो ऐसे में एक बड़ा झटका है। पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखिए लगातार 2013 के बाद 14 के बाद जब एक एक करके तमाम जो बड़े नेता दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं आती है या फिर ऐसा नहीं दिखता है जिससे ये कहा जा सके कि पार्टी को दर्द हो रहा है या फिर आलाकमान को दर्द हुआ है। आज देखिए जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ा उसके बाद जो तमाम जो पार्टी के सांसद हैं नेता हैं वो आरोप लगाने लगे हैं कि जो चिट्ठी गुलाम नबी आजाद ने लिखा है उसकी ड्राफ्टिंग जो है RSS के दफ्तर में हुई है, BJP के दफ्तर में हुई, यानी कि जो वर्ड्स उसमें जो मेंशन किए गए हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं, RSS का संघ, ये आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के सांसद लगा रहे। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी को इस बात से दर्द नहीं है कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दिया, या फिर इनके साथ और भी कई ऐसे नेता होंगे जो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि G23 एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समूह था जिसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता जुड़े हुए थे। कपिल सिब्बल एक लंबे समय तक पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के तमाम लीगल मामले देखते रहे, चाहे पार्टी के नेताओं की हो या पार्टी की हो, तो लगातार वो
पार्टी के लिए काम करते रहे पर उन्होंने ही पार्टी छोड़ा। कोई ऐसी प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि पार्टी के नेताओं को इस बात से दर्द हुआ। तो आज अब जो है कांग्रेस के जो नेता है वो हमलावर हो गए हैं गुलाम नबी आजाद पर और कह रहे हैं कि जो शब्दों का चयन किया गया है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के शब्द है। तो अब कांग्रेस पार्टी ठीक है। रवि शराफ अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे, बातचीत करेंगे। दरअसल गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना बहुत मायने रखता है, इस पर बातचीत हम आगे करेंगे।